नमस्कार दोस्तों, आज 17 अप्रैल 2020 को दिन है शुक्रवार, हाज़िर हूँ मैं संदीप त्रिवेदी आप सबके बीच में द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 93 लेकर के। निश्चित रूप से दोस्तों, यहाँ से कहानी बड़े ही इंटरेस्टिंग फेज़ में पहुँच गई है। बहुत सारे साथी जो लगातार रिकॉर्डिंग क्लब में नए जुड़ते हैं वो सोचते होंगे कि ये क्या है भाई, स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब, ऐसा क्या है इस कहानी में। तो उन साथियों के लिए सबसे पहले तो उनका स्वागत, जो भी साथी नए जुड़ते हैं उन सभी का, और उन सब के लिए ये कि दरअसल रिकॉर्डिंग का कार्य कैसे शुरू हुआ, रिकॉर्डिंग का कार्य करते करते कैसे व्हाट्सएप पर आए, कैसे व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना, और कैसे इस ग्रुप से लोग जुड़ते चले गए और ये ग्रुप आज भी काम कर रहा है, और इसकी पहचान एक व्हाट्सएप ग्रुप के रूप में भी है, एक संगठन के रूप में भी है, एक इनोवेशन के रूप में भी है। तो ये सब कैसे संभव हुआ, दरअसल यही इस कहानी का सार है। एक तरह से मैं कहता हूँ कभी कभी इसको सोशल स्टार्टअप भी कहा जा सकता है। स्टार्टअप्स जो हैं वो कमर्शियल होते हैं नॉर्मली, एक नवाचार से आय के स्रोत बनाना। लेकिन सोशल स्टार्टअप में क्या करेंगे आप, आपको जो सोशल लाइफ के जो रूल्स हैं उनको भी फॉलो करना है, सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं बनाना है, और PWDs तक अपनी हेल्प भी पहुंचानी है। तो बाकी बातें बाद में करें, उससे पहले दोस्तों आते हैं कहानी पर, फिर अगर कुछ याद आया तो कहानी के अंत में बाकी बातें की जाएंगी। एक तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आजकल माहौल शांत नहीं मिल पाने की वजह से स्टोरी लगातार रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है। तो पिछली बार मैंने ये बताया था कि कैसे पहले कन्वेंशन की भावना या सोच साकार हुई। हुआ ये दोस्तों कि आप लोग अगर रेगुलर जो लिसनर्स हैं उन्होंने सुना होगा कि आदरणीय सूर्य सर ने अपने पहले मैसेज में या दूसरे में ये कहा था स्टोरी रिकॉर्ड करते समय कि मैंने ग्रुप में जुड़ने के बाद एक सुझाव दिया और उसको संदीप भाई ने कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से ले लिया। दरअसल वो सुझाव यही था, जुड़ते ही ग्रुप में उन्होंने देखा कुछ दिन ग्रुप को और कहा कि यार लोग जुड़े हुए हैं इसमें, और उनको लगा कि रिकॉर्डिंग अजमेर नाम है तो इसमें राजस्थान के ज़्यादातर साथी होंगे, तो उनको ये था कि भाई मैं राजस्थान के साथियों से ही परिचित नहीं हूँ ज़्यादा, तो एक हमारे ग्रुप का गेट टुगेदर होना चाहिए, उसमें भले ही 40-50-60 लोग हों कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ना हो, और वो सेल्फ स्पॉन्सर्ड हो, आए लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन दें और कार्यक्रम करें। एक बहुत अच्छी सोच थी, बहुत अच्छी भावना थी स्पेशली। तो उस समय तो ये बात आई गई हो गई, क्योंकि मुझे तो खुद किसी कार्यक्रम का आइडिया नहीं था, मैंने जीवन में कोई कार्यक्रम करवाया नहीं था उससे पहले, और जहाँ भी जो भी कार्यक्रम हुए जहाँ मैं जुड़ा हुआ था उन कार्यक्रमों में भी मैं शामिल नहीं रहा कहीं भी, तो मेरा कहीं कोई अनुभव ही नहीं था किसी कार्यक्रम को करने का, मैं ये कह सकता हूँ। 2016 की बात चल रही है दोस्तों, दिसंबर का महीना चल रहा है, तो एक घटना आपको ये भी बताई मैंने पिछले बार कि कुछ साथी बाहर निकले, जब मैसेज किया कि भाई ऐसे साथियों को सम्मानित करना चाहिए कार्यक्रम में, और ये दिसंबर के अंत की बात है लगभग, और इन्हीं दिनों ये चर्चा भी ग्रुप पर चल पड़ी थी कि ग्रुप में अनिवार्य
सप्ताह शुल्क निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि ये ग्रुप आत्मनिर्भर हो और अच्छे अच्छे काम कर सके। हालांकि हमेशा जैसा होता है, शुल्क वाली बात पर बहुत ज़्यादा समर्थन मिला नहीं और कहीं ना कहीं उस समय ये लग रहा था, तब भी लगता था और आज भी लगता है कि कोई चीज़ को अनिवार्य करना थोपना अच्छी बात नहीं है, ये सब स्वैच्छिक होना चाहिए जब आप सोशल वर्क करते हैं। तो अब यहाँ पर ठीक है, हम लोग हमारा काम तब भी कर रहे थे जब कोई नहीं था साथ देने वाला, आज भी कर रहे हैं जब काफ़ी सारे लोग हैं, और जब सारे लोग होंगे तब भी करेंगे। बस इसमें गुणात्मक दृष्टि से सुधार करने का ही हमेशा प्रयास रहा है और आगे भी यही रहेगा। यहाँ पर अब जब ये बात चल गई है दोस्तों, मैं कन्वेंशन की बात के बीच में एक बात ये भी कह दूँ कि इस तरह की सोच रखने से निराशा अधिक हुई है। निराशा साथियों की रुचि को नहीं देखने की वजह से, साथियों ने इस मामले में उतना इंटरेस्ट नहीं लिया जितना कि लेना चाहिए था। कुछ साथी हैं जो बहुत अच्छे हैं निसंदेह, और उन कुछ साथियों की बदौलत रिकॉर्डिंग क्लब आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है दोस्तों कि अब धीरे धीरे मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। मुझे जब मैं अपने आप से ये प्रश्न करता हूँ तो कि क्या मिला क्या नहीं मिला, क्या किया क्या नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या खोया क्या पाया, तो इन सब से परे प्रश्न एक ही होता है कि लगता है कि अब ये सब छोड़ने का समय आ रहा है। क्योंकि खोने के लिए कुछ भी नहीं है, बताने के लिए पाने के लिए बहुत कुछ है। होता वो है जिसके पास कुछ हो। मैं तो कल भी विद्यार्थी था, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा। सीखना कल भी जारी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। अभी रिकॉर्डिंग क्लब का सपना साकार हुआ है, कल कोई और होगा। तो एक शेर है ना, वो राजेश खन्ना जी के मुंह से सुना था कभी कि नफरतें शोहरतें चाहते सब मिलती नहीं एक साथ, आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। और ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था, तो वो वाली बात है। अब ये लगता है कि ज़्यादा दिन तक शायद हिम्मत साथ न दे और मैं ये काम न कर पाऊँ। यानी काम तो कोई भी कर सकता है, काम चलता भी रहेगा, लेकिन जिस ऊर्जा से जिस शक्ति से अभी तक किया है, अब वो हिम्मत नहीं रही। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, उदासीनता। तो कन्वेंशन की बात करते हैं, रिकॉर्डिंग क्लब का पहला कन्वेंशन, बल्कि रिकॉर्डिंग अजमेर का पहला कन्वेंशन। एक बात आपको बताई थी मैंने दो तीन ऑडियो पहले कि एक NRI से बात कराई गई, मुलाकात करवाई गई जयवंती मैडम द्वारा, और उन्होंने सारा कुछ A to Z समझा रिकॉर्डिंग के बारे में, और उन्होंने कहा कि मैं मदद करूंगा, और उन्होंने ये बता दिया कि मेरे प्रतिनिधि कौन होंगे। उन प्रतिनिधि से बात होती रही समय समय पर, और इस बीच में 5 या 6 तारीख के आसपास जनवरी 2017 में हमारे ग्रुप के एक सदस्य हैं योगेश खत्री जी, उनका मुझे कॉल आया कि सर पुष्कर में
मेरी जानकारी में एक जगह है जहाँ पे हम अगर कभी चाहें तो कोई कार्यक्रम, कोई ट्रेडिंग या कुछ ऐसा कर सकते हैं। और कुछ ऐसा कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। और ये भी कहा कि वो संभवतः जितना हो सके उतना नॉमिनल चार्जेस पे, कम से कम चार्जेस पे वो अपन को दे देंगे एक दो दिन के लिए। तो ऐसा कुछ दिमाग में था नहीं तब भी, मैंने कहा अच्छी बात है ये। तो फिर उन दिनों मेरी अर्पण चौधरी जी से बहुत बातचीत हुआ करती थी, तो उनसे चर्चा होती रहती थी इस बारे में कि कैसे करें, क्या करें। वो भी अपने आइडियाज़ देते थे, प्लानिंग होती थी। ये भी कार्यक्रम की भी बात चल रही थी कि यार एक कार्यक्रम तो अपन को करना चाहिए। तो उनको भी ये लगता था कि यार ये है बड़ा मुश्किल, इतना आसान तो है नहीं। लेकिन वही बात आती है दोस्तों, जब आप अच्छी भावना, अच्छी सोच लेकर के चलते हैं तो कोई ना कोई होती है शक्ति जो तैयारी कर रही होती है पर्दे के पीछे। वही कुछ यहाँ भी हो रहा था। तो हुआ ये कि शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 7 या 8 जनवरी के आसपास शायद रविवार था 2017 में। बिल्कुल 8 जनवरी को रविवार ही था, जनवरी 2007 की बात कर रहा हूँ। उस दिन सुबह सुबह जो सज्जन, यानी वो NRI जिन्होंने देखो कहानी पहले से सुनी है उनको समझ में आएगी ये बात, जो जुड़े थे, जो मिले थे, उन्होंने कहा था कि मेरे प्रतिनिधि आपसे मिलेंगे और उन्हीं की मदद से, उन्हीं की बदौलत या उन्हीं के माध्यम से मेरी मदद आप तक पहुँचेगी। सॉरी। तो उनका फ़ोन आया कि हम लोग आ रहे हैं आपके पास, दो जने। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा जी स्वागत है सर। उनका नाम है हरीश हिंगोरानी जी। तो हरीश हिंगोरानी जी का फ़ोन आया जो कि एक रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं। वो आए घर पर मेरे, उनको रिकॉर्डिंग का बताया, रिकॉर्डिंग का काम समझाया, जैसे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, किस परिस्थिति में करते हैं, वो सब बताया। ऊपर वो रूम जो पहले जिन्होंने कहानी सुनी है वो समझ जाएंगे, जहाँ पे पंखा भी नहीं था, जहाँ पे प्रॉपर छत भी नहीं थी, जहाँ पानी भी टपकता था, जहाँ पे गिलहरियाँ भी आ जाती थी। तो ऐसी जगह पर रिकॉर्डिंग होती थी जहाँ पे प्रॉपर चेयर भी नहीं थी, टूटी हुई चेयर, टूटी हुई टेबल, वो सब भी उनको दिखाया। और उस दिन मैंने अर्पण जी भी किस्मत से आदर्श नगर आए हुए थे, उनसे भी निवेदन किया कि आप मेरे घर आ जाइए, ठीक है। फिर अर्पण जी भी आ गए, बातचीत हो रही थी। इस बीच में उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि हम यहाँ पर कैबिन बनवा देंगे आपके इस रूम में। तो कैबिन पर बातचीत हुई कि कैसे कैबिन बनेंगे, दो कैबिन बन सकते हैं, ये सब प्लानिंग हमने, अर्पण जी ने, हमने पहले ही कर ली थी फ़ोन पर बातचीत करते करते कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता ये है अभी। तो उन्होंने कहा कि इस कैबिन का खर्च जो भी होगा वो हम वहन करेंगे। तो दो केबिन का मतलब ये था कि एक साथ दो लोग यहाँ पर काम कर सके। और तब तक इतना तो कभी सोचा ही नहीं था जीवन में, 2017 की बात बता रहा हूँ, जनवरी में, कि कभी एक अलग से हम जगह भी ले पाएंगे किराए से और वहाँ पे 3-4-5 लोग एक साथ काम कर पाएंगे, ये सब तो कभी नहीं सोचा था। फिर नीचे बैठे, चाय वाय पी, बातचीत हुई। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप लोग कोई कार्यक्रम करते हो तो वहाँ हम लोग आना चाहेंगे और आपके जो सदस्य हैं उनसे मिलना चाहेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उस कार्यक्रम में आपके जो खाने पीने की जितनी भी सामग्री होती है, राशन जिसको बोलते हैं हम, वो हम हमारी तरफ से
हमारे संगठन की तरफ से आपको उपलब्ध करवाएंगे। अब देखिए दोस्तों, घटनाएं कैसे जुड़ती हैं। दो दिन पहले योगेश भाई का कॉल आया जगह को लेकर के, दो दिन बाद हिंगोरानी जी आए राशन को लेकर के, और किसी भी कार्यक्रम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है दो चीज़ें होती हैं, जगह और राशन। इसके बाद आप प्लानिंग शुरू कर देते हैं, प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, और फिर प्रेजेंटेशन की बारी आती है। तो ये दो काम जब पूरे हो गए तो लगा कि अब शायद वो सपना साकार होने जा रहा है। फिर उसके बाद में उनके जाने के बाद, एक्चुअली दोस्तों और भी हो सकता है, बहुत सारी बातें रही हूँ इस बीच में, लेकिन अब दिमाग इतना कमज़ोर हो गया है कि यादवाद कुछ रहता नहीं है। तो फिलहाल जो मोटी मोटी बातें, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वही मैं शेयर कर रहा हूँ। और फिर मैंने ये भी निवेदन किया कि बीच बीच में जहाँ जो याद आएगा वो आपको बताऊँगा। तो दिन में 12-1 बजे करीबन योगेश भाई से बात हुई, और हमने योगेश भाई के साथ ये सब शेयर किया कि ऐसी ऐसी स्थिति है भाई। योगेश भाई, तो योगेश जी ने कहा सर ऐसा है, तो अब जब इतनी बड़ी समस्या दूर हो गई है तो फिर एक काम करते हैं, आप और हम चलते हैं आज पुष्कर, वो जगह देखने, पुष्कर जो कि ब्रह्मा नगरी के नाम से जानी जाती है साथियों, आप सब जानते होंगे, और अजमेर ज़िले से 15-20 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे अंग्रेज़ों का तांता लगा रहता है, जहाँ पे पशु मेला भी भरता है। तो ये सब बातें आप सब जानते हैं, पुष्कर झील भी है जहाँ पर। तो हमारे लिए बड़ा प्लस पॉइंट था कि ऐतिहासिक नगरी, धार्मिक नगरी, देश विदेश में जिसकी पहचान है, ऐसी एक जगह से शुरुआत, और तीर्थराज भी उसको कहा जाता है। तो ये बड़ा, बहुत सारे प्लस पॉइंट थे। खाने मतलब राशन की व्यवस्था हो गई, अब खाना बनवाने की चिंता, हलवाई की चिंता, वो सब भी धीरे धीरे फिर हमने सोचा कि हो ही जाएंगी। तो साथियों, फिर योगेश भाई ने हमारा काम इतना आसान कर दिया। देखिए, जो अच्छी बातें होती हैं उनको साझा करने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। योगेश भाई ने फ़ोन पर यह कहा, हमने असमर्थता व्यक्त की कि भाई जाएंगे कैसे, तीन जने कैसे जा सकते हैं, बड़ा मुश्किल है। तो योगेश भाई ने कहा कि मैं वैन लेके आ जाता हूँ आदर्श नगर, और उस वैन में फिर हम सब चलेंगे, जो भी किराया होगा वो देख लेंगे। तो सहकारिता की जब भावना होती है साथियों, और ऐसे करके 1 और 1 11 होते हैं, तभी कोई काम सफल होता है। और निश्चित रूप से ऐसे में सभी को एक दूसरे को विश्वास में लेना होता है, फ़ोन करना पड़ता है, इनिशिएटिव लेना पड़ता है, और नेतृत्व करना पड़ता है। ये सब लगातार हो रहा था। हम गए पुष्कर, योगेश भाई ने अपने मित्र को फ़ोन किया, और वहाँ हम पहुँचे जगह पे। जाते ही हमें दो लोगों से मुलाकात हुई, पहले योगेश भाई के मित्र से, उन्होंने बिठाया, शानदार, आज भी मुझे याद है, चाय बना करके पिलाई। और वो याद इसलिए भी है कि उनकी जो टोन थी, वो जिस इलाके से आते थे, शायद जैसलमेर साइड के थे पता नहीं, या बीकानेर के, पता नहीं कहाँ के थे, लेकिन उनकी जो टोन थी उसमें चाय को साय एक कहने का बड़ा चलन है, जो कि आमतौर पर कई जगह होता है, च को छ और स ये सब कहने का राजस्थान में एक चलन होता है। तो बहुत स्वादिष्ट, शानदार, टेस्टी उन्होंने चाय पिलाई, और बड़े आत्मीय माहौल में बातचीत हुई। और फिर जो वहाँ के मालिक थे, मतलब वहाँ के जो केयर टेकर थे, मालिक तो नहीं, केयर टेकर थे, शायद शंकर जी नाम था उनका, पता नहीं अब ध्यान जहन में नहीं है, उनसे उन्होंने मुलाकात करवाई, उन्होंने समझा सारी चीज़ को, और उन्होंने कहा पहले आप देख लो जगह कि आपके लिए उपयोगी है भी कि नहीं। तो दिखाया गया, थर्ड फ्लोर पर, सेकंड या थर्ड फ्लोर पर शायद, मेरे ख्याल में सेकंड फ्लोर पर एक हॉल था, और सेकंड फर्स्ट फ्लोर पर रूम्स थे। तो
तो पहली नज़र में हमें लगा यार रूम कम पड़ेंगे, लेकिन बाद में वो फर्स्ट फ्लोर पे ही सारा काम हो गया और सेकंड फ्लोर पे हॉल था और ग्राउंड फ्लोर पे से भी नीचे यानी बेसमेंट में किचन था। किचन वो जगह यानी जहाँ खाना बन सकता था। तो ये बात याद इसलिए, मतलब इस बात पे ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ कि खाना बन रहा है बेसमेंट में, यानी बन रहा है का मतलब बनेगा अगर कार्यक्रम होता है तो। और फर्स्ट फ्लोर पे रहने की व्यवस्था है और डाइनिंग की व्यवस्था है यानी खाना खाने की व्यवस्था है। तो बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, और जो हॉल है कार्यक्रम का वो है सेकंड फ्लोर पे। और वो बिल्डिंग जो थी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, उसमें निर्माण कार्य जारी था। अब आप देखिए चैलेंजेस कितने सारे हैं, इतने सारे चैलेंजेस। वॉलेंटियर्स की क्या स्थिति हो सकती है आप कल्पना कीजिए। लेकिन दोस्तों क्या इन परिस्थितियों में ये कार्यक्रम हो सकता था? इस पर मंथन हुआ, बातचीत हुई, लेकिन उस सब को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेकर के हमने एक्सेप्ट किया। जो भी होगा देखा जाएगा, करेंगे, लेकिन एक एक चीज़ को समझा हमने, मैंने और अर्पण जी ने, रूम को देखा हमने, मतलब यहाँ तक कि जो लेड बाथ होते हैं उन तक को भी हमने देखा, बोर्ड्स को देखा कि कहीं कोई करंट आने जैसी जगह तो नहीं है, कहीं वायर खुले हुए तो नहीं है। हॉल में देखा हमने जहाँ पे ओपन विंडोज़ थी और उन विंडो के बाहर सीधा नीचे 3-4 फ्लोर नीचे, तो उसका भी सॉल्यूशन ढूंढा गया कि वहाँ पर कनात लगा देंगे। ये सारी बातचीत उस दिन हुई हमारी, ये सारा हमने एक एक चीज़ को छू करके, उस हॉल के बीच में पोल थे, खंबे जिसको बोलते हम, उससे कैसे बचा जाएगा, तो वो सब कुछ उसी दिन हमने तय किया, सोचा, एक एक बात पे मंथन किया और तब जाकर के ये कार्यक्रम करने की ओर हम लोग अग्रसर हुए। लेकिन अब जैसा कि आप सब जानते हैं प्रोग्राम तो हो गया है, लेकिन ये सब उसके एक बारीकियां हैं, उसके पीछे की स्थितियां हैं जो हमें फेस आई। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारा पहला अनुभव था, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे चक्कर काटे हमने, कितनी बार हम लोग गए वैन कर कर के, जब भी गए वैन से गए, और लगभग योगेश जी, अर्पण जी और मैं, हम लोग साथ ही गए, और एक और साथी था हमारा जो एक तरह से मैं कहूँ कि इस कन्वेंशन की खोज भी था और आगे चल कर के लगभग आने वाले और प्रोग्राम में वो मेरा साथी रहा, एक तरह से मेरा सारथी रहा मैं ये कहूँगा। तो मुझे तो केवल तीर चलाने थे, रथ चलाने का काम उसने किया। तो वो साथी कौन था, हलवाई, टेंट, माइक, वो सब कैसे हुआ, ये सब बात करेंगे आने वाले ऑडियो में। आज का काफ़ी ऑडियो लंबा हो गया है। तो एक दो जो दोस्तों पिछले ऑडियो में मैंने जो कहानी बताई थी आपको बाद वाले हिस्से में अपनी जॉब से संबंधित, उसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि कभी भी मैंने प्रयास यही किया हमेशा कि मेरी व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से ग्रुप के कामकाज में रुकावट नहीं आए, कोई गतिविधि नहीं आए, चाहे मुझे उसके लिए कम सोना पड़े या चाहे उसके लिए मुझे कहीं जाना पड़े, चाहे मेरी कोई भी कैसी भी समस्या हो। ऐसे ही उदाहरण आप सबको बीच बीच में मिलते रहेंगे। और एक समस्या जिसका मैंने जिक्र नहीं किया, वो तो इससे भी गंभीर थी, बड़ी थी, जिसने मुझे तोड़ करके रख दिया था और वहाँ से मैं खड़ा हुआ, जो कि मेरे एक एग्ज़ाम से संबंधित थी, प्रमोशन से संबंधित थी, लेकिन फिर भी कभी अपने चेहरे पर शिखन नहीं आने दी, प्रयास यही किया, फिर भी आती रही है शिखन। तो लेकिन खैर, आप सबका साथ मिलता रहेगा तो ये कारवा
यूं ही चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Collapse, app cloud, complete software update, collapse, app installation pause, notification settings, button, airplane mode, reasons, collapse, set a pause, media, collapse, to light mode, media pause, button, media stop, button.